everyone, before starting this video, subscribe our channel Techno Fiesta and share it to the maximum people. And don't forget to click on the bell icon for regular updates. तो elimination method हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं, तब इसमें और थोड़ा और level hard करते हैं, questions देखते हैं इसमें. अब आपको question दिया है x y upon x plus y is equals to 6 upon 5 and x y upon x minus y is equals to 6. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक simple equation form में convert करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. फर्स्ट इक्वेशन को ले रही हूं पहले मैं, ठीक है? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 को एक्स वाई से करेंगे, दैट इज 5xy, और 6 को x plus y से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां जब 6 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और y से करेंगे तो 6y. अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपके पास यहां इक्वल्स टू के बाद आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? अननोन वेरिएबल नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहां पे दो अननोन वेरिएबल है x और y, तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय xy ऑन बोथ साइड, बोथ साइड में xy से डिवाइड करेंगे. तो 5xy को xy से करा, 6x को xy से, एंड प्लस 6y को भी x y से डिवाइड करा, तो क्या होगा, x y से x y कैंसिल हो गया, तो यहां तो आ गया 5, एंड यहां x से x कैंसिल हो जाएगा तो 6 upon y, और यहां y से y कैंसिल हो जाएगा तो 6 upon x. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 6 upon x, 6 upon y एंड 5, ठीक है? ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. यहां भी हम क्या करेंगे, यहां डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 6 को करेंगे xy से, और इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1 को xy से करेंगे तो xy, फिर 6 into x, 6 into y, तो ये हो जाएगा 6x minus 6y is equals to xy. यहां भी क्या करेंगे, डिवाइड बाय xy on both side, तो xy से डिवाइड करेंगे तो 6 upon y हो जाएगा, 6 upon x हो जाएगा, is equals to 1 हो जाएगा. तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है? तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. दोनों इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, 6 upon y plus 6 upon x is equals to, यहां पर था 5 था हमारे पास, ठीक है? और यहां पर आएगा 6 upon y minus 6 upon x is equals to 1. अब आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे कि जब अननोन वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में आते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको कोई दूसरा अननोन वेरिएबल, कांस्टेंट अननोन वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं. जैसे लेट 1 upon x को मैंने क्या ले लिया, u, और 1 upon y को मैंने ले लिया v. तो यहां पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6v plus 6u is equals to 5, 6v minus 6u is equals to 1. तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कि जो v coefficient है हमारे पास u और v का, वो क्या है, सेम ही आ रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सीधे-सीधे सॉल्व कर लेते हैं. यहां एक प्लस का एक माइनस का है u, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो 12v, और ये भी प्लस हो जाएगा, दैट इज 6. तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, दैट इज 1 upon 2. v हमारे पास आ गया 1 upon 2. अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, 6v plus 6u is equals to 5. मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, इसमें हम क्या करेंगे, v की वैल्यू 1 upon 2 पुट कर देंगे, इससे u की वैल्यू आ जाएगी. तो v की वैल्यू कितनी है, 1 upon 2 6u is equals to 5. तब ये 2 को कट करेंगे, 6 से कितने टाइम होगा, 3 टाइम. ये 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज 5 minus 3. तो 6u हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1 upon 3, क्योंकि यहां पर आएगा u बराबर आएगा 2 upon 6, तो 2 की टेबल से ये 1 बार और ये 3 बार. तो यहां पर u कितना हो गया, 1 upon 3, और v कितना हो गया, 1 upon 2. अब हमने कंसीडर क्या कर रखा था, 1 upon x को u कंसीडर करा था, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और 1 upon y को v कंसीडर किया था, तो v y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2.
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिया है आप पहले उसको इजी इजी टर्म में कन्वर्ट कर लो और फिर उसके बाद आप कॉन्स्टेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। थैंक यू।